ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन आपका दोस्त और बाजार इंसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए चार इंटरडे स्टॉक को लेके। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, मैंने यहां पर मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहां पर हम लोग स्टॉक्स का जो कॉल पुट होता है ना, जो स्टॉक्स का CPE होता है, उसके बाई साइड में हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं। तो यहां पर होता है क्या, मैं लाइव मार्केट में ये बताता हूं कि कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है और किस रेट पे उसका कॉल और पुट को जो भी जिस दिन होता है उसको बाई करना है और कहां पर उसको छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होता है कि एग्जिट करना है। एक लाइव मार्केट सपोर्ट वहां पर व्हाट्सएप सपोर्ट के दौरान मैं देता हूं ताकि आप लोग उसको फॉलो करके वहां पर काम कर पाए, ट्रेड कर पाए। तो इसके अंदर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इसका छोटा सा एक फीस है 799 पर मंथ। तो अगर आपको जोड़ना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अब चल पड़ते आज का वीडियो के ऊपर और कल के लिए जो फास्ट व्यू रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो कल के लिए जो फास्ट व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का भारती एयरटेल के अंदर, एक टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक है आपको पता है। और भारती एयरटेल के अंदर आज हम लोगों ने देखा कि मतलब ओपनिंग के टाइम ये जब कारोबार हुआ उसके बाद से ये थोड़ा वहाँ पर सस्टेन होके ऊपर निकल गया। अब ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट बन गया है जो कि आ रहा है 763। तो 763 के ऊपर अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं तो वहाँ से ऊपर जा सकते हैं, तो वहाँ से उसको हम लोग बाय करेंगे। कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे एज यूजुअल दे दिया है, उसको देखिए, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। और अगर ये नीचे आने का कोशिश करते हैं और 752 को ब्रेक करते हैं और उसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं, क्लोजिंग देने के बाद ही हम लोग उसको सेल करेंगे। कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया हूँ, उसके हिसाब से काम कीजिए। एक बात यहाँ पर बोल देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सुन लीजिए उसको, कि मैं इस चैनल के अंदर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पर चार्ट पे एनालिसिस करके मेरा एक व्यू होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब ये व्यू को आप लेना है कि नहीं लेना है, लेने के बाद किस तरह से उसको इम्प्लाई कर, आपको वहाँ पर अप्लाई करके आप मार्केट के अंदर काम करेंगे, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड व्यू हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो कल मैंने फर्स्ट जो स्टॉक बोला था आप लोगों को वो था एलएनटी के अंदर। एलएनटी के अंदर हम लोगों ने देखा लास्ट में जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया, लेकिन वो एकदम लास्ट में जाके ओवरऑल पूरा दिन ये किसी भी लेवल, मतलब बाइंग सेविल को कोई भी लेवल बीच में काम करते रहे, कोई भी एक्टिवेशन नहीं हुआ। तो मैं इसको मतलब लास्ट कैंडल को हम लोग पकड़ नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग नॉट एक्टिव पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड जो था एचडीएफसी के अंदर हम लोगों ने देखा, इसके अंदर भी सेम चीज़ें हुआ, हम लोगों ने देखा कि ये पूरा दिन लेवल के अंदर काम हुआ और एक भी कैंडल जो है उसका बाइंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दिया, अब उसके अंदर ही काम करते रहे, तो ये भी नॉट एक्टिव था। तो आज अच्छा ही हुआ, मतलब अगर आज एक्टिव हो जाता ना तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस वगैरह हिट होने का चांसेस था। तो एक्टिव नहीं हुआ, वैसे ही हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो ही बेटर रहेगा। जिस दिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा है अगर एक्टिवेशन कम आते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो थर्ड जो था आप लोगों का स्टेट बैंक के अंदर एक्टिवेशन हुआ था और थोड़ा प्रॉफिट भी मिला था यहाँ पर करीब 1%। और मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आप लोगों को तुरंत मैसेज डाल दिया था कि प्रॉफिट बुक करो और निकलो वहाँ से, क्योंकि मार्केट का आज जिस तरह से मूवमेंट था कोई भरोसा नहीं है। तो प्रॉफिट हम लोग वहाँ पर छोटा सा बुक किया। और टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक आपने वहाँ पर नहीं है, आप अगर हो सकते हैं पॉसिबली आप नहीं हो तो वहाँ पर होना आपका जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर जो मैं चार स्टॉक देता हूँ ना उसका कोई भी अपडेट आ जाते हैं मेरे दिमाग पे, कुछ भी आ जाते हैं, निकलना है, कुछ भी होना है। जैसे आज स्टेट बैंक के अंदर मैंने बोल दिया कि निकल जाओ, तो ऐसे अपडेट वहाँ पर मैं देता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूँ, फ्री है, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब ये था थर्ड। और फोर्थ था हम लोग का टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर, उसके अंदर भी हम लोग का छोटा सा यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ था बाई साइड में और छोटा सा प्रॉफिट भी दिया था। और मैंने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर तुरंत मैसेज डाला था प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ। आपको एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पर डेली बेसिस ऐसे चार स्टॉक देता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस आप लोगों को देता हूँ। तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और एक लाइक छोड़ के जाइए, दोस्त समझ के हो, भाई समझ के हो, कुछ भी समझ के हो, आप एक लाइक छोड़ के जाइए ताकि मुझे भी थोड़ा आप
अब चल पड़ते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का सेकंड व्यू है उसको देख लेने का टाइम आ गया है। सेकंड जो व्यू आएगा वो रहेगा हम लोगों का एक पेंटिंग जो सेक्टर है, आप कंज्यूमर सेक्टर बोल सकते हैं एशियन पेंट्स के अंदर। और एशियन पेंट्स के अंदर भी हम लोगों ने आज देखा ये थोड़ा नीचे आ गया है ओपन होने के बाद से। अब ये इसका 50% 3214 का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देते हैं तो उसको वहां से हम लोग बाय करके चलेंगे। कैश का लेवल स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूं, उसके हिसाब से अगर आपको काम करने देख के काम कर सकते हैं। और एक नीचे आने का कोशिश करते हैं, उसका 78% रिट्रेस एरिया जो कि आ रहा है 3161, उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं तो वहां से उसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल कैश का मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने रिस्क के देखिए उसके हिसाब से काम करते रहिए। और अब हम लोग थर्ड व्यू देखेंगे, उसके पहले स्क्रीन पे देखिए ये मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर होता है कि हम जो दोस्त यहाँ पर मार्केट के अंदर जो कैश सेगमेंट में काम करते हैं स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे में, लेकिन कैश के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर मैं मतलब गाइडेंस देता हूँ, लाइव मार्केट सपोर्ट देता हूँ, उसके साथ एक मेंबर स्पेशल एपिसोड भी देता हूँ अलग से दो स्टॉक को लेकर अलग से। डेली बेसिस आपको 3 स्टॉक तो मिल ही जाएगा, यहाँ पर 3 से 4 स्टॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, छोटा सा फीस है 499 पर मंथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत सारे दोस्त हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के अंदर बाय साइड में इंट्राडे में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चैनल है। तो यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसका भी छोटा सा फीस है 599 पर मंथ, व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए, ठीक है। चल पड़ते हैं हम लोगों का अगले व्यू देख लेते हैं, थर्ड व्यू देख लेते हैं। थर्ड जो व्यू रहेगा हम लोगों का एक मतलब ऑटो सेक्टर स्टॉक टाटा मोटर्स के अंदर, और आज हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा हम लोगों का मतलब ऑप्शन के अंदर थोड़ा लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। एनीवे वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, तो वो तो चलना पड़ेगा उसको लेके ही। फिर भी कल अगर हम लोग देखते कि ये इसका ये जो एरिया 504 को ब्रेक कर रहे हैं उसके ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहे हैं तो वहां से उसको हम लोग बाय करके चलेंगे। लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया हूं कैश का, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। लेवल थोड़ा ऊपर है फिर भी उसको मतलब देख के ही हम लोग काम करेंगे। और अगर ये नीचे आने का कोशिश करते हैं 491 को ब्रेक करके एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं तो वहां से इसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। कैश का लेवल वो भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने रिस्क को देखिए उसके हिसाब से काम करते रहिए। अब हम लोग का जो लास्ट व्यू है उसके अंदर चलेंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रीन पे देखिए ये मेरा क्विज कॉन्टेस्ट है, आज का सवाल है, इसका सही सही जवाब दे दीजिए और विनर बन जाइए। मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसको मैं आप गिफ्ट करूंगा, तो इसको जवाब को आप कमेंट सेक्शन में सही सही दीजिए। दो टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले बात तो आप जवाब जो भी देंगे, कमेंट जो भी करेंगे उसको एडिट मत कीजिए। दूसरा बात जो है कि आप मतलब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका नाम वहां पर मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि विनर का जो जब नाम होता है वो लिस्ट में जब देखता हूं वो सब्सक्राइबर लिस्ट से मैं चूज करता हूं, ठीक है। अब चल पड़ते हैं फाइनल व्यू के अंदर, और वो एक मेटल सेक्टर स्टॉक, दोबारा टाटा का एक स्टॉक टाटा स्टील के अंदर रहेगा। और टाटा स्टील के अंदर हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं हम लोग मतलब थोड़ा साइडवेज था, एक बात तो ये है थोड़ा नीचे आ गया उसके बाद साइडवेज हो गया। अब कल ये स्विंग जो यहाँ पर हाई बनाया 1198 का, उसके ऊपर अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं वहाँ से इसको हम लोग बाय करेंगे। कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क को देखिए उसके हिसाब से काम कीजिए। अब इसका सेलिंग लेवल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों का छोटा सा स्मॉल रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि मैं यहाँ पर डेली बेसिस बहुत बहुत मेहनत करके डेली बेसिस आप लोगों के लिए दो वीडियो डालता हूँ, एक निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके एक स्टॉक्स को लेके, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए और कुछ नहीं, एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने सेट किया है 160, उसको अगर आप अचीव कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करके जाइए, आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप कैसे लग रहे हैं इस प्रोग्राम को, कुछ भी हो, एक लाइन भी हो लिख के जाइए, वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जब वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं मुझसे, मुझे भी अच्छा फील होता है, ठीक है। तो कुछ भी कमेंट करके जाइए, ठीक है। अब टाटा स्टील का सेलिंग लेवल, सेलिंग जो ये एरिया जो कि आ रहा है 1180, उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते ही टाटा स्टील को वहाँ से हम लोग शॉर्ट सेल करके चलेंगे। कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क को देखिए उसके हिसाब से काम करते रहिए। और एक बात दोस्तों, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके और पूरा ग्लोबल मार्केट और ब्रॉडर मार्केट को लेके कल कैसे रह सकता है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, उसको लेके एक वीडियो बनाया है,
वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, उसको जाके भी देख लेना ताकि आपको सुविधा हो काम करने में। और उसके साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरा टेक्निकल एनालिसिस का एक डेमो क्लास, वो भी मैंने ऐड कर दिया हूँ एंड स्क्रीन में, उसको भी जाके देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।